आपका स्वागत है ऑनलाइन कंसेप्ट में। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है रिपीटेड सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि ये रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसे आसानी से मार्क्स आ सकते हैं। तो ये रिपीटेड सीरीज़ का वीडियो पार्ट 1 है। इसमें मैं टाइप 1, 2 और 3 बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो रिपीटेड सीरीज का आएगा उसमें मैं पार्ट 2 के वीडियो से हो जाना जाएगा, और उसमें मैं टाइप 4 और 5 बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ कि कैसा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पहले एक क्वेश्चन लेकर आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे एक स्पेस रहता है, फिर बी, अगर क्वेश्चन एक मैं ले लेता हूँ, ए, तो देखिए क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा आपसे कि इस ब्लैंक्स में कौन कौन सा फिलअप होगा। तो आप इसे एक ऑप्शन के तौर पर भी ले सकते हैं, ऑप्शन डालकर आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो ऑप्शन मैं लेके नहीं बताता हूँ, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे इसे बनाया जाता है। बनाने से पहले मैं कुछ इसका ट्रिक्स बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ट्रिक्स है कि आपको अगर ये डिजिट को काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि अगर 12 डिजिट का रहे तो आपको उसे 3 या 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, अगर 15 रहे तो आपको 3 या 5 भाग में डिवाइड कर लीजिए, ये 16 रहे डिजिट तो आपको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, 18 रहे तो आपको 6 और 3 भाग में डिवाइड कर लेना है, या 20 रहे तो आपको 4 या 5 भाग में डिवाइड कर लेना है, और या 21 रहे तो आपको 7 भाग में डिवाइड कर लेना है, 24 रहे तो आपको 4 और या 6 भाग में डिवाइड कर लेना है, या 17 रहे डिजिट तो आपको 16 लेना है, और उसको एक अंतिम में छोड़, मतलब 17 रहे तो आपको 16 के तौर पे उसे यूज़ करना, मतलब 16 रहे तो 4 के भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक डिजिट को अंतिम में छोड़ देंगे। अगर ऐसे ही 19 रहे तो इसे 18 के तौर पे लेना है और अंतिम में एक लेफ्ट कर देंगे। तो देख लीजिए, ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए कम से कम कि किस भाग में डिवाइड करें। तो मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको आसानी से बता दूं। तो देखिए, ये जो मैं एक टाइप बताने वाला हूँ वो टाइप रहेगा 1। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि वैसा क्वेश्चन जो कि रिपीटेड फॉर्म में आता हो, इसको बोलते हैं रिपीटेड होमोजीनस। तो देखिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है स्पेस एस टी टी स्पेस टी टी स्पेस टी टी स्पेस। तो देखिए, इसमें पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि काउंट कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 डिजिट है। तो 12 डिजिट में मैंने आपको बताया था कि आपको 3 या 4 भाग में बांट लेना है। तो देख लीजिए, इसको पहले 3 भाग में बांट के देख लीजिए। तो 3 से स्लैश मार्क कर लीजिए। देखिए देखिए, यहाँ पे एस टी है, दूसरे में टी एस पेस टी है, तो मतलब अकॉस यहाँ पे डबल टी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और टी लग जाएगा। तो यहाँ पर डबल टी है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, यहाँ पर डबल टी है तो यहाँ मतलब एक और एस लग जाएगा, और यहाँ टी और एस है मतलब टी लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि बहुत इजी से बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग होमोजीनस बोलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आगे, कि एक ऑप्शन के तौर पे आपको दिया रहा है तो कैसे बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इसमें क्वेश्चन मार्क जगह पे
आपको भरना है, हर जगह यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन भी दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए कुछ आपके एग्ज़ाम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे भरेंगे, तो पहले आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 16 रहे तो इसे 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्लैश मार्क लगा दीजिए। अब देखिए फिलअप कैसे करेंगे। फिलअप करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि देखिए आपको कम से कम ऐसा काउंटिंग करने से आपको ये सेपरेट बांटने से आपका 90% क्वेश्चन इजी हो जाता है और 10% क्वेश्चन आपको ऑप्शन से देखकर हेल्प मिल जाती है और आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्द बन जाती है। तो पहला सेट में देख रहे होंगे कि ओ है, पी है। दूसरा सेट में देखिए, दूसरा सेट में देख रहे होंगे एम हो, ओ है, एन है, लेकिन पी नहीं है। मतलब इसमें दूसरा सेट में देखिए तो इसमें यहाँ पी पी फिलअप होगा, तो पी भर दीजिए। तो पहला स्टेप पर देखिए यहाँ पे एम फिलअप होगा। दूसरे के अनुसार देखिए यहाँ पे एम है तो यहाँ पर भी एम और एन है तो एन। तो अब ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं आप डायरेक्टली, क्यों उतना चेक करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। देखिए एम है यहाँ पे, एम यहाँ पे, एम एम एम, मतलब चारों एम फिलअप हो सकता है। दूसरा फिलअप में देखिए एन है तो एन एन, मतलब ये ऐसे ही कट जाता है और 1 3 4 बचता है। तो देखिए अब तीसरा, देखिए जो तीसरा में है पी, तो पी इसमें फिलअप हो जा रहा है तो और इसमें फिलअप हो जा रहा है, मतलब ये भी कट जाता है। तो आगे और सेट चेक कर लीजिए, तो पी और एन यहाँ पे फिलअप है तो मतलब यहाँ पे एम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम ओ है तो यहाँ पे भी एम ओ यहाँ फिलअप होगा। तो आगे देखिए एम ओ होना चाहिए, तो पी तक हो गया था, अब एम ओ, तो एम ओ यहाँ पे ओ एम है तो ये कट जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेकर आपको बता देता हूँ। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है। तो इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने आपको बता चुका है कि अगर 15 रहे तो आपको उसे 3 या 5 भाग में बांट लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 3 लेकर काउंट देख लीजिए, तो 3 1 2 3 से काटेंगे तो एक यहाँ पे जाएगा और 1 2 3 फिर धीरे से काटेंगे तो यहाँ पे 1 2 3। देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने सबको तो 3 से कट दिया है लगभग। तो यहाँ पे देखिए 1 A स्पेस N और दूसरा में देखिए स्पेस B स्पेस, लेकिन तीसरा में देखिए आना चाहिए यहाँ पे A स्पेस या कोई भी चीज डिजिट और N आना चाहिए। तो यहाँ पे N और C है तो यहाँ पे तो गलत हो गया, 3 3 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर जाता है इसलिए 3 नहीं होगा। और यहाँ 5 चेक कर दीजिए, अब 5 लास्ट ऑप्शन बचा 5, तो 5 से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से हम लोग सेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 सेट कर लीजिए, मतलब 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसमें भी देखिए बी है, इसमें भी बी है, अल्टरनेट में भी देखिए एन है तो यहाँ पर भी एन है। तो ऑफ कोर्स है कि इसमें भी जो इस एन के बाद जो अल्टरनेट में होगा वो वहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पे ए हम लोग फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट डिजिट को मैच करने के लिए देखिए यहाँ पर एन सी बी, एन सी बी यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी ए हो जाएगा क्योंकि इसमें भी ए है तो ए हो जाएगा, ए लिख दीजिए और स्पेस है। फिर अब देखिए अब तो इतना तक तो आप कर दिए दोनों में, और एक चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ए स्पेस एन, यहाँ पर भी सी हो जाएगा इसके अनुसार, तीनों में आप देख सकते हैं सेम जैसा हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन में देख लीजिए सबसे पहले सी, दूसरा कॉलम में दूसरा स्पेस आप देख सकते हैं जिसमें सी लिखा हुआ है, तो दूसरा में सी किस में लिखा हुआ है तो ये है इसमें, तो पहले ही ऑप्शन पकड़ा गया, आंसर है ये। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप का अब देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का है टाइप 2, इसमें हम लोग देखेंगे रिपीटेड हेट्रोजीनस।
हेट्रोजीनस मतलब हो जाता है कि अलग अलग, और होमोजीनस मैंने आपको बता चुका, होमोजीनस मतलब था पिछला टाइप जो टाइप वन था वो था एक जैसा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कुछ टाइप का उसका। देखिए ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें होमोजीनस जैसा नहीं है, कि मतलब एक बार इसको देखिए काउंट कर लीजिएगा तो इसमें 20 हो जाएगा, तो 20 को हम लोग चार से नहीं, 20 होगा नहीं, 16 इसे काउंट कर लीजिएगा तो 16 होगा, तो 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में कि हेट्रोजीनस में, देखिए हेट्रोजीनस में रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी सेक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब इसका मतलब हेट्रोजीनस है। तो हेट्रोजीनस में मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसे बनाते हैं इजिली, तो देखते रहिए। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कुछ और टाइप का भी पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे देख लीजिए 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3। तो देखिए इसमें भी होमोजीनस का फंक्शन फॉलो कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन अल्टरनेट में रिपीट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ऐसा कुछ इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको पहले बनाने का नियम है, इसमें भी सेम है कुछ कुछ। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है तो इसे 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने इसे बताया था कि अल्टरनेट में इसमें सेम होता है, तो अल्टरनेट में चेक कर लीजिए, तो अल्टरनेट में देख लीजिए इसका ये वाला, तो ए ए है यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पे ए फिलअप कर दीजिए, और बी फर्स्ट डिजिट में है तो फर्स्ट में बी फिलअप कर दीजिए, तो ये फिलअप हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा का अल्टरनेट में ये चेक कीजिए, तो तीसरा डिजिट इसमें फिलअप करना है, तो तीसरा में देखिए यहाँ पे बी लिखा है तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, और इसमें देखिए पहला डिजिट में लिखा हुआ ए तो यहाँ पे ए फिलअप कर दीजिए, तो ऐसे बन गया। तो ऑप्शन हिसाब से आप इसे टिक कर सकते हैं, बी ए ए ए, तो सी आंसर हो जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सेम टेक्निक लगाना है, तो इसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है तो इसे 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, तो 1 2 3 4 4 और 4, तो आप चेक कर लीजिए अल्टरनेट में सेम होना चाहिए, तो ये वाला अल्टरनेट इसमें सेम होगा और ये वाला अल्टरनेट इसमें सेम होगा, तो ए सी स्पेस सी ए सी ए स्पेस, तो यहाँ पे सी फिलअप हो जाएगा इसके अनुसार, और यहाँ पे ए फिलअप हो जाएगा इसके अनुसार। अब इसमें भी चेक कर लीजिए, ए बी स्पेस बी ए बी ए स्पेस, तो यहाँ पे बी हो जाएगा फिलअप इसके अनुसार, और यहाँ पे ए फिलअप हो जाएगा इसके अनुसार। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया ए ए ए ए। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया ए ए सी बी, तो आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं, नेक्स्ट है टाइप 3, इसका नाम है साइक्लिक ऑर्डर। तो पहले बता दूं कि कैसा कैसा पूछा जाता है साइक्लिक ऑर्डर से क्वेश्चन, कैसा कैसा। तो देखिए बी
ए सी, सी ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे किस टाइप का इसमें आता है साइक्लिक ऑर्डर में क्वेश्चन, ये आपको देखने में आ रहा होगा। देखिए पहचानते कैसे हैं इसको, तो कोई भी एक डिजिट को आप देख लीजिए, अगर बी को देखना है पहला डिजिट को, तो देखिए उसको बी सी आ रहा है दूसरे में और तीसरा में ए आ रहा है। तो देखिए ये पैटर्न आगे भी चलेगा, एक बार यहाँ पर चला सी के पास, फिर उसके बाद यहाँ पर चला, तो आगे भी सेम चलेगा बी सी ए के फॉर्मेट में, तो आगे चलेगा बी सी और आगे रहता है इसके आगे तो बोलते हैं ए, तो सेम ऐसा चलेगा। सेकेंड डिजिट में भी देख लीजिए ए ए बी, तो आगे भी रहेगा तो रहेगा ए ए बी, नेक्स्ट डिजिट रहता तो वहाँ पर भी लोग बी लिखते हैं। तो ऐसे आता है साइक्लिक में। एक क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ आपको, तो आपको इजी होगा समझने में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, स्पेस बी सी स्पेस सी ए स्पेस ए बी ए स्पेस सी स्पेस सी ए। तो सबसे पहले हम लोग वन और टू टाइप में देख चुके हैं, सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 था तो आपको बता दिया था कि 3 फॉर्मेट में काटिए या 5 फॉर्मेट में काट कर या डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें, इसमें मेनली आपको हमें देखने में लग रहा है इसमें 3 ही कटेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप भी देख सकते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ रहा है तीनों में, तीन डिजिट में, यहाँ पे 3 डिजिट से कटेगा। तो देखिए इसको काट लीजिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया हूँ। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सेम इसमें टेक्निक लगाना है जो आपको मैंने दिखाया था टाइप वन में और टाइप टू में। तो सबसे पहले इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को आप 3 भाग, 15 है तो 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए, कर लिए ये हो गया, 3 भाग में डिवाइड कर लिए। तो अब इसको साइक्लिक फॉर्म में चेक कीजिए, तो पहले यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे ए, मतलब क्या बन गया बी सी ए। तो नेक्स्ट में भी वही होगा बी सी, नेक्स्ट रहता तो यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे एक फिलअप हो गया बी, तो अब थर्ड डिजिट देख लीजिए सी ए बी, तो सी ए और बी आ रहा है, सब आपको मन में कर लेना है। तो सी ए और बी आ रहा है, तो आगे भी सी ए आगे रहता तो बी, तो ऐसा हो सकता था। अब आपको फर्स्ट डिजिट चेक करना है, तो पहले ऑप्शन से आपको कट कर लीजिए, तो देखिए किसका सेकेंड लास्ट में बी है, तो सेकेंड लास्ट में बी दो ऑप्शन का है, तो पहला दो ऑप्शन काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप सब डिजिट में देख रहे हो लास्ट दो डिजिट फिलअप हो चुका है, अब शुरू में कैसे भरें। तो देखिए यहाँ पे ए हो सकता था ना ए, क्योंकि थ्री तीनों में आप देख सकते हैं, हर कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी ही यूज किया जा रहा है मोस्टली, तो किसी में ए सी यूज किया जा रहा है, किसी में ए बी यूज किया जा रहा है, किसी में सी ए यूज कर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए इसमें बचा हुआ है ए, तो यहाँ पे ए फिलअप कर दीजिए। अब एक फिलअप करने के बाद ही आप चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में है क्या। तो देखिए फर्स्ट डिजिट ए, इसमें देखिए बी, तो ये कट जाता है, ऑप्शन हो जाता है ए। तो ऐसे आप उसे जल्दी बना सकते हैं। तो बाकी का इसमें दो टाइप का, तो इसमें दो टाइप का और है, टाइप 4 और टाइप 5, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।